वेलकम अगेन टू बायोलॉजी क्लासेस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इन आवर प्रीवियस टॉपिक वी ऑलरेडी डिस्कस फंक्शन ऑफ ब्लड एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। हम अपने प्रीवियस वीडियोज में क्लास ब्लड सेल्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज है टर्न सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग का। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है क्लास, इसके डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे और फिर इसमें जो रोल प्ले करते हैं, जो ब्लड वेसल्स रोल प्ले करती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन सर्कुलेटरी सिस्टम हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं आज। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ह्यूमन बॉडी इज कैरीड आउट विच विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड कॉल्ड ब्लड। इसका मतलब है जो सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब किसी चीज़ का आना जाना होता रहता है जब हमारी बॉडी में, इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड। वो किसके जरिए होता है, एक सर्कुलेटरी फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ के जरिए होता है, वो आवागमन होता रहता है उस पदार्थ का हमारे शरीर में, तो उसको कहते हो आप ब्लड, जो फ्लूइड जैसा है, तरल पदार्थ लिक्विड जैसा है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो ब्लड है वो क्या किस चीज़ को कंसिस्ट करता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन अक्रॉस द ब्लड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अब क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट्स जो होती है हमारी पूरी बॉडी में, वो एक नेटवर्क के जरिए होती है, जो बहुत सारी ट्यूब्स गई होती है हमारी बॉडी में। देखिए, पूरे शरीर में, इस ह्यूमन के पूरे शरीर में मैंने आप लोगों को दिखाई है, बहुत सारी ट्यूब्स गई हुई है, नेटवर्क गया हुआ है। ये नेटवर्क आपका ब्लड वेसल्स का ही है, जिनके थ्रू ये जो आपका ब्लड है पूरे बॉडी में आपके पहुँच रहा है। देखिए, ये पूरी बॉडी में ब्लड पहुँच रहा है, तो ये आपकी होती है ब्लड वेसल्स क्लास, जो एक नेटवर्क बना देती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं पूरी बॉडी में, जो स्प्रेड होती हैं आपकी, तो मतलब हेड से लेकर पूरा टो तक, तो वो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं। देखिए, ऑल द ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द मेन ऑर्गन। सभी ब्लड वेसल्स एक मेन ऑर्गन से कनेक्ट होती हैं, जिसका नाम है हार्ट। देखिए, सभी ब्लड वेसल्स आके कनेक्ट हो रही हैं हार्ट से। ये हार्ट है, हार्ट बीचों बीच होता है क्लास, एक बात याद रखिएगा, हार्ट इंसान में ना ही लेफ्ट साइड में ना ही राइट साइड में, ये आपके एकदम स्ट्रेटली सिचुएटेड होता है, लेफ्ट साइड में बेंड होता है, इसीलिए हमें हार्ट बीट हमेशा लेफ्ट साइड में ही सुनाई देती है ज़्यादातर, क्योंकि लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है हार्ट, ठीक है, होता है आपके एकदम सीधे स्ट्रेट ही है हार्ट, ना ही दायां होता ना ही बायां होता, लेफ्ट साइड में थोड़ा झुकाव जाता होता है, झुकाव होता है इसका, इसीलिए हमें लेफ्ट साइड में हार्ट बीट सुनाई देती है क्लास। तो हमने ये पढ़ा थोड़ा बहुत पॉइंट जो आपके मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थे। देखिए क्लास, अब ये बात ये है कि ब्लड वेसल्स भी आपकी थ्री टाइप्स की होती हैं, जो आपकी पूरी बॉडी में होती हैं, ठीक है। ये थ्री टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं क्लास, इनका नाम है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आज हम आर्टरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आर्टरीज क्या है क्लास, देखिए, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए, आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज आप देख रहे होंगे, ये देखिए आर्टरीज आपको दिख रही होगी, आर्टरीज हार्ट से कनेक्टेड है, डायरेक्ट हार्ट से आ रही है। तो आर्टरीज क्या है आपकी, आर्टरीज आपकी जो होती हैं वो आपके हार्ट से मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी और क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है क्लास ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को कहाँ से लेंगी, हार्ट से लेंगी और आपके पूरे बॉडी के पार्ट तक पहुंचाएंगी। कुछ ऐसी आर्टरीज होती हैं, जैसे एक आर्टरीज ऐसी होती है पल्मोनरी आर्टरी, जिसका नाम आपको याद रखना है, वही सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शनल केस है कि यही ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, हार्ट से लंग तक ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक ले जाती है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। वैसे आर्टरीज जो होती हैं ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज सिर्फ ऐसी आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हार्ट से लंग की ओर ले जाती है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये देखिए हार्ट है, आर्टरीज इससे कनेक्टेड होंगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें सिर्फ, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होंगी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ये देखिए CO2 लिख रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ ले जा रही है, लंग्स में ले जा रही है, और ये फिर प्योरीफाई होके किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आ जा रहा है ना। देखिए, O2 वाला ब्लड वापस आ रहा है किसके जरिए, पल्मोनरी वेन्स के जरिए, पाइप है, मतलब याद रखिए एक पाइप होता है, एक नली होती है जिसको आप पल्मोनरी वेन्स कह रहे हो, जिसके थ्रू ये ब्लड वापस होके प्योरीफाई होके वापस आ रहा है ऑक्सीजनेटेड होके, और जा किसके जरिए रहा है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए।
तो पल्मोनरी आर्टरी ही सिर्फ ऐसी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से लंग की ओर, और आर्टरी सिर्फ क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है। ठीक है, आर्टरी हैव थिक इलास्टिक, आर्टरी में बहुत थिक इलास्टिक मतलब मोटापा होता है, चौड़ी होती है खूब, तभी इनसे बहुत तेजी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहता चला जाता है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स टू अलाउ स्ट्रेचिंग्स एंड टू डी यूज विद हाई प्रेशर्स ऑफ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट। क्या होता है कि जो ये थिक होती हैं इसीलिए इनमें जो इनसे आने वाला जो ब्लड है वो बहुत ही फ्लो में आता रहता है, कहाँ से, हार्ट से। ठीक है, तो ये था आपका आर्टरीज के बारे में क्लास। नेक्स्ट टॉपिक में हम वेन्स और कैपिलरीज को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हमने पढ़ा था आपका यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया क्लास। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था आपके इसके बारे में, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग के बारे में, ब्लड वेसल्स थ्री टाइप की होती हैं। यहाँ कैपिलरीज आपके शो नहीं हुई है, कैपिलरीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, कैपिलरीज ऐसे शो नहीं कर सकती मैं। यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज को शो कर रखा है, आर्टरीज आपकी हार्ट से कनेक्टेड है, वेन्स आपकी ये देख रहे होंगे वेन्स पतली पतली गई हुई है, वेन्स पतली होती है, आर्टरीज आपकी मोटी होती है, आर्टरीज आपकी हार्ट में होती है, हार्ट हार्ट से कनेक्टेड, इसका मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ये आपकी बाहर से कनेक्टेड इसलिए मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। क्लास ये बात याद रखिएगा, जब ऑक्सीजनेटेड वर्ड आता है तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन से परिपूर्ण, और डीऑक्सीजनेटेड की बात हो रही है तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड से परिपूर्ण। ठीक है, तो ये था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग और ब्लड वेसल्स के बारे में, जो और बाकी की ब्लड वेसल्स को हम वेन्स और कैपिलरीज को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास। If you like this video, then subscribe for the latest update. Thank you.